बच्चों, मैं स्मिता गोस्वामी। कैसे हो आप लोग? तो चलो आज अपन शुरू करेंगे मैथ्स। तो आज हम शुरू करते हैं काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20। तो ये बच्चों 1 से लेके 20 तक हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, 3, 4, 34, 3, 5, 35, 3, 6, 36, 3, 7, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, 4, 0, 40, 4, 1, 41, 4, 2, 42, 4, 3, 43, 4, 4, 44, 4, 5, 45, 4, 6, 46, 4, 7, 47, 4, 8, 48, 4, 9, 49, 5, 0, 50, 5, 1, 51, 5, 2, 52, 5, 3, 53, 5, 4, 54, 5, 5, 55, 5, 6, 56, 5, 7, 57, 5, 8, 58, 5, 9, 59, 6, 0, 60, 6, 1, 61, 6, 2, 62, 6, 3, 63, 6, 4, 64, 6, 5, 65, 6, 6, 66, 6, 7, 67, 6, 8, 68, 6, 9, 69, 7, 0, 70। तो बच्चों 1 से लेके 70 तक हम बोल चुके हैं। अब आगे 7, 1, 71, 7, 2, 72, 7, 3, 73, 7, 4, 74, 7, 5, 75, 7, 6, 76, 7, 7, 77, 7, 8, 78, 7, 9, 79, 8, 0, 80, 8, 1, 81, 8, 2, 82, 8, 3, 83, 8, 4, 84, 8, 5, 85, 8, 6, 86, 8, 7, 87, 8, 8, 88, 8, 9, 89, 9, 0, 90, 9, 1, 91, 9, 2, 92, 9, 3, 93, 9, 4, 94, 9, 5, 95, 9, 6, 96, 9, 7, 97, 9, 8, 98, 9, 9, 99, 100। तो बच्चों 1 से लेके 100 तक हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों लास्ट पेज पे हमारी काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बिटवीन, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, और बिटवीन माने बीच में क्या आता है वो शुरू करेंगे। आज हम आपको बिटवीन, बिफोर, आफ्टर सिखाएंगे।
तो बच्चों यहाँ 1 से लेके 10 तक मैंने यहाँ काउंटिंग लिख दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने आपके लिए काउंटिंग लिख दी है। अब पहले हम बिफोर शुरू करते हैं, तो बिफोर में मैंने डैश कर दिया है, 4 लिखा है, डैश कर दिया है, 7 लिखा है, डैश कर दिया है, 10 लिखा है। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि 4 से पहले बच्चों क्या आता है वो आपको भरना है। तो आप कैसे भरेंगे, आप कैसे भरेंगे, मैंने 1 से 10 तक काउंटिंग लिखी है, तो बच्चों आप देखोगे 4, ये 4 है, तो 4 से पहले क्या आता है, 3, आप देख रहे हो ना, 4 से पहले 3 आता है, तो आप बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, 3। फिर है नेक्स्ट हमारा 7, तो आप 7 को देखोगे कि 7 से पहले क्या आता है, 7 से पहले बच्चों हमारा आता है 6, तो हम इसी तरह यहाँ 6 लिखेंगे। फिर आता है हमारा 10, तो 10 से पहले क्या है बच्चों, 9, तो हम 9 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह ये हमारा बिफोर ये चैप्टर्स हो गया है। अब हम लेते हैं आफ्टर, आफ्टर माने बाद में। तो अब जैसे बच्चों 5, 5 के बाद क्या आता है, 6, 5 के बाद है 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। फिर 9 है, तो 9 के बाद क्या है बच्चों, 10, तो अब हम यहाँ 10 लिखेंगे। 1, 1 के बाद क्या है, 2, तो अब हम इसी तरह यहाँ 2 लिखेंगे। फिर बच्चों ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, अब हम आते हैं बिटवीन पर। बिटवीन माने बीच में, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, आपको बीच की संख्या बननी है। अब जैसे बच्चों मैंने 3 लिख दिया है, डैश करके 5 लिखा है, तो अब बच्चों आप ऊपर देखोगे कि 3 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, तो बीच में क्या आ रहा है, 4, तो बच्चों आपको 4 लिखना है। इसी तरह ये 6 लिखा है और 8 लिखा है, 6 और 8 के बाद की जो डिजिट है वो क्या है, 7, तो अपन को क्या लिखना है बच्चों, 7। इसी तरह ये 8 और 10, 8 की डिजिट लिखी हुई है और 10 की डिजिट लिखी हुई है, तो बीच में आपको कौन सी डिजिट लिखनी है, 9, तो आपको 9। तो बच्चों ऐसे ही आपको 1 से लेके 10 तक ये काउंटिंग लिख देंगे, उसमें से आप इजीली करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा बिफोर आफ्टर बिटवीन खत्म होता है। तो बच्चों हमने काउंटिंग कंप्लीट कर ली है, आफ्टर बिफोर बिटवीन भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करते हैं शेप्स। तो अब हम आते हैं शेप्स पर। तो शेप तो बच्चों सभी को पता है कि कौन सी चीज कैसी होती है, तो आओ शुरू करते हैं शेप्स। तो बच्चों ये क्या है, सर्कल, ये मैंने काय की पिक बनाई है सर्कल की, ये सर्कल होता है, ये स्क्वायर होता है, ये ट्रायंगल होता है, और ये क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो अब एक तरफ मैंने ये वाली पिक बनाई है और एक तरफ ये ही पिक मैंने वापस बनाई है। अब जैसे ये है ट्रायंगल, ये है सर्कल, ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। तो अब आपको बच्चों क्या करना है कि सर्कल को सर्कल से मिलाना है, स्क्वायर को स्क्वायर से मिलाना है, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मिलाना है और रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मिलाना है। इससे क्या है कि बच्चों आप पहचान लोगे कि अरे ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, तो ये सर्कल ही है, सर्कल को सर्कल से मैच करोगे। तो शुरू करते हैं, सर्कल कहाँ है बच्चों, ये गया, तो सर्कल को हमने सर्कल से मैच किया, स्क्वायर को हमने स्क्वायर से मैच करा, ट्रायंगल को हमने ट्रायंगल से मैच किया और रेक्टेंगल को हमने रेक्टेंगल से मैच किया। तो इस तरह से बच्चों आपने शेप से शेप को मिला दिया। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ड्रॉ द शेप्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें मैंने आपको ये नाम लिखे हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो अब आपको बच्चों पहचान तो हो ही चुकी है कि कौन सी शेप कैसी होती है। तो बच्चों आपको क्या करना है, सर्कल, सर्कल कैसा होता है, गोल, तो आपको सर्कल की पिक बनानी है। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है बच्चों, स्क्वायर होता है हमारा चौकोर, तो ये स्क्वायर हो गया। अब आता है हमारा ट्रायंगल,
ट्रायंगल कैसा होता है बच्चों? ए बनाकर नीचे लाइन, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल हमारा होता है ये होता है रेक्टेंगल। तो आपको सबको ही पता है सर्कल गोल होता है, स्क्वायर चौकोर होता है, ट्रायंगल ए बनाकर नीचे लाइन होता है और रेक्टेंगल ऐसा होता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारे हो गई शेप्स। अब आपको शेप्स का ज्ञान तो हो ही गया होगा। तो बच्चों ये हमारी शेप्स खत्म होती है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों अब आता है हमारा एडिशन। एडिशन माने प्लस, प्लस मीन्स जोड़ना। तो अब हम इसमें जोड़ने में क्या करते हैं बच्चों? मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो डिजिट होती है उतनी ही हमको लाइनें करनी होती हैं और वो ही हमें लाइनें काउंट कर करके यहाँ लिखना होता है। अब जैसे कि बच्चों ये कितना है? 4। तो हम कितनी लाइन खींचेंगे? 1, 2, 3, 4। अब नीचे कितना है बच्चों? 2। तो हम कितनी लाइनें करेंगे? 2। तो ये 1 और ये 2। अब यहाँ हमने 4 लाइन कर दी, यहाँ हमने 2 लाइन कर दी। तो अब इन लाइनों को हमको काउंट करना है। तो गिनते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना हुआ बच्चों? 6। तो अब हम यहाँ कितना लिखेंगे? 6। तो अब नेक्स्ट आता है कितना है बच्चों? 6। तो कितनी लाइनें करेंगे हम? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नीचे कितना है? 3। तो कितनी लाइनें करेंगे हम? 1, 2, 3। तो अब इन लाइनों को हम बच्चों काउंट करेंगे। तो करते हैं काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे कितना है? 1, 2, 3। 6 के बाद 7, 8, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितना हुआ बच्चों? 9। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 9। नेक्स्ट 1। तो कितना है यहाँ? 1। तो 1 लाइन। नीचे भी कितना है? 1। तो ये भी है 1 लाइन। तो 1 और 1 मिलकर कितना हुआ बच्चों? 2। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5। तो कितनी लाइनें करेंगे हम बच्चों? 5। 1, 2, 3, 4, 5। और नीचे कितना है बच्चों हमारा? 2। तो कितनी लाइनें? 1, 2। अब इस लाइनों को हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितना हुआ बच्चों? 7। तो कौन सी डिजिट लिखेंगे हम यहाँ? 7। अब बच्चों आपको आ गया होगा समझ में कि एडिशन में क्या करते हैं कि जितनी डिजिट होती है उतनी ही हम लाइन खींचते हैं, फिर लाइन खींचने के बाद हम उसको काउंट करके नीचे लिखते हैं। तो ये हो गए हमारे एडिशन। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? माइनस। माइनस मीन्स घटाना, घटाना मीन्स काटना। तो अब यहाँ है 6। तो हम कितनी लाइनें खींचेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 में से बच्चों क्या करना होता है? यहाँ लिखा है 3। तो 6 में से हमें 3 लाइनें काटनी है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें से हम 3 लाइनें काटेंगे, 1, 2, 3। तो ये 3 लाइन हमारी कट गई है। तो बच्चों यहाँ कितनी लाइनें बची हैं? 1, 2, 3। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ? 3। अब नेक्स्ट है 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 लाइन, 1, 2, 3, 4। अब 4 में से नीचे कितना लिखा है? 2। तो अब हम इसमें से 2 लाइन माइनस कर देंगे, माइनस मिस काटना। तो 2 लाइन हमने काट दी है। तो बच्चों अब यहाँ कितनी लाइनें बची है? 2। तो अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे 2। ऐसे इसी तरह से ये भी करेंगे बच्चों 3। तो 1, 2, 3। 3 में से माइनस कितना करना है? 1। तो हमने ये 1 लाइन काट दी। तो कितना बचा? 2। तो ये हम बच्चों यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसी तरह बच्चों ये भी करेंगे हम 1। 1 में से 1। अब नीचे कितनी डिजिट है? 1। तो 1 में से हम अगर बच्चों 1 ही काट देंगे तो हमारे पास क्या रह गया? कुछ नहीं, कोई भी डिजिट नहीं है।
तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, जीरो। तो इसी तरह से बच्चों ये हमारा सब्ट्रैक्शन भी पूरा होता है, ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम शुरू करते हैं टू की टेबल। टू की टेबल तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, लेकिन हम वापस रिवीजन करवाती हूँ मैं आपको टू की टेबल का। तो बच्चों टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन। एक बार वापस करते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी। एक बार वापस रिवीजन करते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी। तो बच्चों इसी तरह से ये टेबल, टू की टेबल हमारी ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमारा है काउंट एंड राइट। मतलब काउंट लिख गिनकर हमें लिखना है कि ये कितने चीज़ें हैं। तो लेट स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो ये कितनी हुई बच्चों, स्टार कितने हुए, एट। एक बार वापस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो ये कितने स्टार हुए बच्चों, एट। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, एट। नेक्स्ट, अब ये कितनी आइसक्रीम है बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब हमने इसको काउंट किया तो सिक्स आई, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, सिक्स, सिक्स आइसक्रीम। अब ये कितनी बोले हैं, इनको काउंट करो, वन टू थ्री फोर। तो ये बॉल कितनी है, फोर। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ, फोर। अब ये बॉक्स कितने हैं यहाँ, वन और टू, टू ही हैं बॉक्स। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, टू। अब ये टॉफी कितनी है बच्चों, टॉफी, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ट्रॉफीज हैं। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, फाइव। अब ये एक इतना बड़ा मैंगो है, तो ये कितना है, कितनी पिक्चर है इसकी, वन। एक ही है ना मैंगो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वन। अब ये काइट, यहाँ काइट की पिक्चर कितनी है बच्चों, काउंट करो, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो हम यहाँ कितनी काउंट करके लिखेंगे, थ्री। तो ये हमारा काउंट एंड ब्राइट ख़त्म होता है। तो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, फाइनल होमवर्क शीट की तरफ।
88
92 93 94 95 96 97 98 99 100 Yay! Bye बच्चों, stay home, stay safe.